नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबरें। किसान आंदोलन का आज 78वां दिन। आज 20 सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर बंद, 12 से 18 फरवरी तक का बनाया प्लान। राहुल के राजस्थान दौरे से पहले पायलट की मांग, कृषि कानून निरस्त करे केंद्र, प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाए। किसान आंदोलन में विदेश से आई रकम पर सरकार रख रही है नजर, रडार पर है सैकड़ों अकाउंट। किसान आंदोलन में नवरीत मौत मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, अगली सुनवाई 26 फरवरी को। दीप सिद्धू ने दिया पुलिस को बयान, कहा सब लाल किला जा रहे थे, मैं भी चला गया, नहीं थी कोई गलत मंशा। पीएम मोदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है कंफ्यूज पार्टी। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता से पूछा सवाल, कहा क्या पाकिस्तान में लगेंगे जय श्री राम के नारे। भाजपा को मिली राहत, पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा पर रोक से कोलकाता हाईकोर्ट का इनकार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, कहा मां माटी और मानुष का नारा तानाशाही में बदला, बंगाल में खिलेगा कमल। कोरोना के दैनिक मामलों में हुई बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 12,923 नए मरीज। कनाडा ने भारत से मांगी कोरोना वैक्सीन, पीएम टूडो ने फोन पर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात। प्रयागराज में प्रियंका गांधी ने संगम में लगाई डुबकी, खुद चलाई नाव और किया पूजन। अखिल गोगोई को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, असम में सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी गिरफ्तारी। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर बोले पीएम मोदी, कहा सरकार बहुमत से चलती है लेकिन देश सर्वसम्मति से चलता है। भारत में मनाया जा रहा है मौनी अमावस्या का पावन पर्व, प्रयागराज में हुई पुष्प वर्षा। आगामी विधानसभा चुनावों में बढ़ाया जाएगा मतदान का समय, चुनाव आयोग ने लिया फैसला। तपोवन टनल में रोका गया बचाव कार्य, अलकनंदा नदी में बढ़ने लगा पानी का स्तर। ममता का भाजपा पर हमला, कहा इन लोगों के सामने मैं नहीं झुकने वाली। योगी सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने वालों से करेगी वसूली। फ्रांस के सुरक्षा विशेषज्ञ का दावा, कहा मेड इन इंडिया कू ऐप पर यूजर्स का डाटा सुरक्षित नहीं। पुणे में पुलिस की गिरफ्त में 9 लुटेरी दुल्हने, नकली शादी करके 50 से ज्यादा परिवारों को लूटा। तकनीक ने बदला युद्ध का मैदान, सैन्य अफसरों के आदेश पर युद्ध लड़ेंगे रोबोट और फ्लाइंग मशीनें। टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो अब चंद मिनटों में ही पैसा आएगा वापस, IRCTC ने शुरू किया अपना पेमेंट गेटवे। 14 फरवरी से दौड़ने के लिए तैयार तेजस एक्सप्रेस, यात्री स्टेशन पर ही खरीद सकेंगे टिकट। मिजोरम में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता।